भाई एक ब्राउन ब्रेड कितना हो गया? 35। थैंक यू। सिर्फ ब्रेड लेने नहीं निकला हूँ बाहर, बड़े बड़े कई सामान और हैं। तो आई थॉट पहले छोटे छोटे सामान रख लेते हैं, फिर बड़े सामानों के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्चुअली जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे को कुछ सामान है जो पिकअप करना है स्टोर से, तो मैं वही लेने आज जा रहा हूँ। उस बंदे से बात हो गई थी, द स्टोर इज ओपन और वो सामान भी आज आ चुका है। मैंने सोचा कि लेट क्यों करना, वो सामान लेकर अपने पास रख लेते हैं। ओ आराम से, ट्रैफिक लगा होता है यार इस समय थोड़ा सा। ये रोड आगे रेड लाइट तक ना थोड़ी सी ऐसी ये कंजेस्टेड थी, कंजेस्टेड क्या कह सकते हो, हैवी ट्रैफिक से कह सकते हो, क्योंकि ये जीटी रोड है ना, तो जीटी रोड में तो आप लोग को पता ही है कि कितना हैवी ट्रैफिक सा होता है ना जी। तो बस वही ट्रैफिक है। घर की कुछ शॉपिंग भी करनी है, घर की शॉपिंग ऐसे थोड़ा राशन पानी का सामान लेना है, नॉट एग्जैक्टली राशन पानी का, बट हाँ कह सकते हैं ग्रोसरीज वगैरह का आइटम, राशन पानी का सामान। अरे कहना क्या चाहते हो, वन इन द सेम थिंग। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं बता नहीं सकता हेलमेट के अंदर मुझे कितना ज्यादा पसीना आ रहा है बॉस। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं हेलमेट बिल्कुल ना लगाता, घर से निकले शायद मेरे को 400 मीटर या 300 मीटर ही हुए होंगे अभी। और भाई साहब जो गर्मी, मेरा तो मत्था खराब हो गया। हटो दादा, देख नहीं रहे हो गाड़ी आ रही है? ये रेड लाइट ना बहुत तंग करती है। सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ ना तो दूसरी बार या फिर कभी कभी तीसरी बार में मेरा नंबर आता है इस रेड लाइट को क्रॉस करने का। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फिर रेड हो जाती है, फिर ग्रीन होती है आगे बढ़ता हूँ फिर रेड हो जाती है, ऐसे करते करते तीन बार में मैं क्रॉस करता हूँ उसे, तभी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। शाबाश बेटा। यार ये बड़ी गाड़ी लेके आके फंस तो नहीं गए यहाँ पे? ये स्प्लेंडर पैशन वाली गाड़ियाँ ही बेस्ट होती हैं भाई शहर में चलने के लिए। ये बड़ी बड़ी गाड़ी में ना बहुत जाम है बॉस। एक तो ये इतनी डायमेंशंस में बड़ी होती है ना, प्लस फ्यूल एफिशिएंसी वाली एक जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, क्योंकि बॉस ये शहरों में तीसरे गियर से ज्यादा, चौथे गियर से ज्यादा चल ही नहीं पाती है यार। चौथा गियर भी बहुत कम पहुंचता है, और गाड़ी अगर दूसरे तीसरे गियर में चलेगी तो यार क्या ही एवरेज निकालेगी। लेकिन बॉस एक बात तो फिर माननी पड़ेगी कि यार जब इतनी बड़ी गाड़ी लिए हो तो एवरेज की चिंता करना छोड़ दो। ये थोड़ा सा ना अपने आप को समझाने वाली बात होती है, तो ये एवरेज की चिंता करना छोड़ दो यार। अब क्या करें, हम लोग बचपन से हमेशा यही सुनते आए, कितना देती है आपकी गाड़ी, कितना देती है, वही होता है यार। अपन तो उसी थ्योरी पे चलते हैं ना कि भाई कितना देती है। हाँ जी हमारी गाड़ी इतना देती है। देखा ना, थोड़ा सा स्पीड अप किया और फिर से ट्रैफिक। गर्मी के जो भर्राटे चल रहे हैं ना गर्म वाले। चलो विशाल खुला है, मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं पहले सामान यहाँ से उठा लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे का क्या करना है। फोन नंबर 9555। ये से दो सामान के लिए मैंने अपने आधे घंटे बर्बाद किए। सच में यार ये बेकार से दो सामान लेने के लिए मैंने अपने आधे घंटे बर्बाद किए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और एक बात हो गई यार, मैं मास्क ले आना भूल गया, तो यार वो बंदा अंदर घुसने नहीं दे रहा था गेट कीपर जो भी है। बड़ी मुश्किलों में तो उसने मेरे को अंदर जाने दिया, क्योंकि कई बार मैं यहाँ पे आ जा चुका हूँ, वो मेरी बाइक देख के और मेरे को देख के पहचान गया था। तो ही सेड कि चलो भैया ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा लेके आना चाहिए मास्क वगैरह ये सब। एंड इवन आई सेड कि हाँ यार जल्दबाजी में थोड़ा सा कुछ भूल गया मैं लेना ये वो। अब आगे उधर ही जा रहे हैं जहाँ मैं बता रहा था कि कुछ सामान उठाना स्टोर से, वो एक्चुअली मार्केट एरिया में है पूरा, तो अपने को बहुत ज्यादा यू नो ट्रैफिक फेस करके जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोच रहा था यार कि छोटी बाइक लेके आ जाते हैं, बट पड़े पड़े ये बहुत दिनों से ऐसे ही थी। गुड़गांव गए थे लास्ट, उसके बाद तो इसे निकाला नहीं। आई थॉट कि चलो निकाल लेते हैं इसी बाइक को यार, कोई बहुत दूर भी नहीं जाना है। अरे अरे गाड़ी भाग रही है यार इधर उधर। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, गाड़ी एक तरफ क्यों भाग रही है, ऐसा क्यों जी, ऐसा तो पहले। अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, गाड़ी एक तरफ क्यों भाग सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट में इसमें जो एक्सेसरी लगी है उसकी वजह से तो नहीं, लेकिन वो एक्सेसरी तो बैलेंस्ड है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या तो ये भी हो सकता है मेरा वहम हो। अरे 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 अलीगढ़ की बेकार रोडें। अरे यार नो प्लीज, नो रेड लाइट नॉट अगेन। यहाँ तो पुलिस भी रहती है, रेड लाइट ब्रेक भी नहीं कर सकते। शिट मैन, लेट पे लेट। मे बी अभी दीपक से मुलाकात हो, उसका एक सामान मेरे पास रह गया है तो उसको देने जाना होगा। उसे बोला तो है मैंने कि यार वो शॉप वाले के पास आ जा, आई डोंट थिंक कि वो आएगा, मेरे को ही जाना पड़ेगा उसको देने को। ये देखो 15 पे हुई है और अंकल जी की स्कूटी पहले स्टार्ट हो गई। मैं गलत रास्ते पे आ गया, शिट यार। देखा ना मैं बात करते करते आगे आ गया, वो स्टोर का रास्ता तो पीछे रह गया। अब क्या, कुछ नहीं वापस जाऊँ घूम के, ऐसे गलती हो सकती है ये मुझसे? ये भाई मेरी अकेले की गलती नहीं है, इसमें आप लोग भी हो शामिल। यार सीरियसली बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत पीछे था वो
कट, मैं फालतू इधर आ गया लेकर के। दिस इज द स्टोर जहाँ से मेरे को अपना सामान उठाना है। आई होप ज्यादा टाइम ना लगे, ये इसको यार इधर ही लगा छोड़ देता हूँ, भगवान भरोसे। I have got this packet delivered और flaunting next level की है भाई, next level की flaunting है। ओके, चश्मे को रखता हूँ इसके अंदर वरना एक्चुअली हुआ यूं कि मेरे GoPro की बैटरी डेड हो गई बीच रास्ते में, जब मैं शॉप से दीपक के घर जाने वाला था तो कुछ शूट नहीं हो पाया। उसके बाद का मैं एक ही बैटरी लेके गया था जो कि कैमरे में लगी हुई थी और वो डेड हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हाथ में क्या है, गया तो मैं कपड़े के स्टोर पे था लेकिन ये कार्टन लेके किधर से आ गया। तो हुआ यूं कि जब मैं आ रहा था गेट के अंदर, आया गेट कीपर ने बोला कि आपके पार्सल आ गए हैं, तो मैंने बोला अभी मेरे हाथ में सामान है। तो मैं ऊपर आया घर पे, फटाफट कपड़े का थैला घर पे रखा और उसके बाद कैमरे की बैटरी बदली, उसके बाद कैमरा सेट किया, फिर नीचे गया और ये दो कार्टन लेके आया। अब ये बात आ जाती है कि इन कार्टन में है क्या। तो ये जो पहला कार्टन है, मेरे को एक्चुअली एक शू रैक लेना था तो मैंने अमेजोन पे चेक किया कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एक्चुअली मैं कुछ ऐसा चाहता था जो कि डिसमेंटल हो जाए, मैं उसे खुद इंस्टॉल कर पाऊँ, पोर्टेबल हो, दिस एंड दैट। तो आई गॉट दिस ऑप्शन जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। बाकी जब बन के तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ही अगले व्लॉग में कि ये कैसा है। अभी इसको थोड़ी देर बाद इंस्टॉल करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग जो कि आया है ऑल द वे फ्रॉम डीकैथलॉन। इसमें काफी सारे सामान है, अपनी अपकमिंग ट्रिप के लिए कुछ सामान मंगाने थे फॉर मी एज वेल एज फॉर माई पिलियन राइडर। तो लेट्स अनबॉक्स दिस फर्स्ट, उसका तो पता है कि एग्जैक्टली कैसा है क्या है पता तो इसका भी है, बट इसके लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है। तो चलो हेडगियर पहनते हैं जल्दी से और फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। जो पहला आइटम इसमें से निकल रहा है, दिस इज द योगा मैट। सो आई गॉट दिस योगा मैट एसेंशियल फ्रॉम डीकैथलॉन। देखो यार मैं डीकैथलॉन बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सारा पूरा पैकेज ही डीकैथलॉन से आया है। ओके, तो यस, दिस योगा एसेंशियल मैट फॉर माय पिलियन राइडर। हाँ, वो इसे राइड के टाइम पे नहीं इस्तेमाल करेगी, वो इधर घर वर भी योगा के टाइम पे इस्तेमाल करेगी। मैं एक्चुअली चाह भी रहा था, मेरे को भी एक चाहिए था, मेरे को ये सही लगी तो आई गॉट वन। सेकेंड थिंग, ओके, तो दिस इज ट्रेकिंग रेन पैंट, नाइस, दिस इज नाइस। बस साइज में ठीक हो, मैं चेक करूँ इसका साइज क्या है। ठीक है, सही साइज है, इट लुक्स गुड, वेरी रिलायबल। नीचे पैरों के पास से इसमें इलास्टिक है और ये जिप भी है, तो यू नो फॉर बेटर प्रोटेक्शन, ताकि ये पूरा जो आपके पैर के पास से एकदम टाइट फिट हो जाए। और क्या है इस खजाने में, यस, ये हैं वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज। इसको भी खोलते हैं। तो दिस शूज आर ऑल्सो फॉर माई पिलियन राइडर। मैंने सोचा राइड पे जाएंगे तो उसके पास एक वाटर प्रूफ शूज होने ही चाहिए, बट अगर मैं उसके लिए एक राइडिंग शूज ले लेता तो फिर उसे बड़ा अनकंफर्टेबल भी होता क्योंकि उसकी आदत नहीं है राइडिंग शूज वगैरह पहनने की। मैंने सोचा कि एक ऐसे शूज लिए जाए जो कि वाटर प्रूफ भी हों और पहनने में भी बेटर रहे, राइड पे भी काम आए। तो यस, दिस शूज आर वेरी गुड, साइज ठीक आ जाए यार, साइज एक्चुअल में तो उससे पूछ के ही मंगवाया था मैंने। बाकी यार जूतों वगैरह का ना कुछ कह नहीं सकते, जब तक आप उन्हें पहन के ट्राई नहीं करते ना कुछ कह नहीं सकते इनका। और इस पिटारे में क्या है, हाथ डालो देखो, यस, रेन कोट का अपर। तो दिस वॉज द लोअर एंड दिस इज द अपर, आई गेस सही आएगा ये उसको। हाँ, देखने से तो सही लग रहा है, वो पहन के ट्राई करेगी तो ठीक आएगा। इसमें पीछे यू नो कैप का भी सिस्टम है, तो यहाँ पे उसकी कैप है। इसको बंद ही रहने देता हूँ, खुल जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा वापस से पैक करना इसकी कैप को। बंद हो जा। डीकैथलॉन के सारे प्रोडक्ट्स यू नो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ये मैंने अपने लिए मंगवाई है बी ट्यूविन की सिपर, ये अब की बार नियॉन ग्रीन कलर की है। मेरे पास पहले रेड कलर की थी, वो एक्चुअली मैं इलाहाबाद गया था तो एक फ्रेंड की कार में छूट गई, मैंने सोचा उससे क्या वापस मांगूं, तो ये ऐसी ये मैंने अपने लिए मंगवाई। अभी तक इस बॉटल के अलावा जितना भी सामान है यू नो सब मैडम का ही है, मेन सामान ये भी है। दीज आर टू रेन कवर्स फॉर माई सैडल बैग, बाइक के सैडल बैग में मैं इसको रेन कवर के तौर पे लगाऊंगा क्योंकि गॉड्स के जो रेन कवर हैं जो मेरे को बैग के साथ मिले थे, सैडल बैग के साथ अपने मिले थे, दे आर ऑफ सो
पुअर क्वालिटी, बिल्कुल भी उन्होंने बारिश से नहीं बचाया मेरे बैग को उन रेन कवर्स ने। और दीपक अभी गुड़गांव गए थे तो हमने देखा, बिल्कुल धज्जियां उड़ गई थी अंदर के सामान की बारिश में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो अपना ने सोचा कि अगर राइड पे जा रहे हैं तो सैडल बैग्स के लिए रेन कवर तो होना ही चाहिए। टेल बैग के लिए रेन कवर है मेरे पास अच्छा वाला। मेरे पास जो सैडल बैग्स हैं वो 50 लीटर्स के हैं और ये रेन कवर है 40 लीटर्स से 60 लीटर्स तक का, तो आई गेस ये काम कर जाएगा। दो मंगाए हैं दोनों सैडल बैग्स के लिए। और कुछ है क्या? नहीं भाई, खत्म। तो गाइस देखो, मेरा मन नहीं माना, मैंने वो रेन कवर को लगा के इस बैग पे ट्राई की अपने सैडल बैग में, एंड इट फिट्स परफेक्टली वेल। ये एक्चुअली इससे बड़ा ही है तो पीछे भी अच्छा खासा कवर हो रहा है, और जब अपन इसे बंजी कॉर्ड से बांध लेंगे तो ये एकदम यू नो इससे इंटैक्ट हो जाएगा। इट लुक्स वेरी गुड, बहुत सेक्सी सा कलर है ये, सेक्सी। तो हाँ भैया, ये थी शॉपिंग थेरेपी। बहुत सारा सामान आ गया भाई, यही सब था इस ब्लॉग में, ज्यादा कुछ तो नहीं। मैंने सोचा कि यू नो मैं थोड़ा सा कुछ डेली व्लॉग्स डालता हूँ, कि भाई अभी तो फिलहाल राइड पे कहीं जा नहीं रहे हैं, इमीडिएटली तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आगे जाएंगे, जब जाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे दो नए चैनल्स हैं, एक पे मैं डालता हूँ रिलैक्सेशन वीडियोस, दूसरे पे मैं डालता हूँ मोटिवेशनल वीडियोस। उन चैनल्स को भी प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आई एम वेरी श्योर आप लोग को उसका कंटेंट बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के एंड में भी उसका आइकन बन के आ जाएगा, उस पर क्लिक करो तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाओगे यूट्यूब पे। विद दैट सेड, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। आगे आने वाले 10-15 दिनों में लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, बहुत सारे नए नए लोग अपनी लाइफ के साथ जुड़ने वाले हैं, सबकी तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए सब शॉपिंग वगैरह चल रही है। थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि क्या बात हो रही है और किस बारे में बात हो रही है। एग्जैक्टली क्या है वो आप लोग को पता चल ही जाएगा, और जिन लोगों को आइडिया अगर नहीं भी लग रहा है वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो, आगे आने वाली वीडियोस में यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट इट। सो टिल देन टेक केयर, एंजॉय, लिव टुडे एंड लव tomorrow. Take care guys, मिलते हैं next video में. Take care, bye bye bye.